सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूं। आज मैं बनाने जा रही हूं बहुत ही स्वादिष्ट सी रबड़ी। हाँ फ्रेंड्स, आज हम रबड़ी बनाने जा रहे हैं। रबड़ी हम घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये बाजार जैसी बनकर तैयार होती है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। रबड़ी बनाने के लिए मैंने 3 लीटर दूध लिया है। मैंने गैस को ऑन कर दिया है और दूध को हम इस तरह से चला देंगे और दूध के उबाल आने तक हम दूध को इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे। दूध को चलाना ज़रूरी है फ्रेंड, ताकि ये तले पे ना चिपके। आप देख सकते हैं दूध के उबाल आ गया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से पकने देंगे। एकदम बाजार जैसी रबड़ी हम घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, पर फ्रेंड्स थोड़ा सा रबड़ी में टाइम लगता है, पर खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। दूध को पकते पकते 5 से 6 मिनट हो गए हैं। इसके ऊपर मलाई आने लगी है। मलाई को हम साइड में करते जाएंगे और दूध को इसी तरह उबालते जाएंगे। दूध को हमें 1/3 रहने तक उबालना है और जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक हमें इसे इसी तरह उबालते जाना है और दूध के ऊपर मलाई आएगी तो उसे इसी तरह हमें साइड में करते जाना है। देखिए इसके ऊपर काफ़ी मलाई आ रही है। इसी तरह हम साइड में इसे करते जाएंगे और दूध को पकाते जाएंगे। दूध को पकते पकते 1/2 घंटा हो गया है। आप देख सकते हैं दूध का कलर भी हल्का सा चेंज होने लगा है और इसके ऊपर मलाई भी थोड़ी मोटी आने लगी है और इसे हम साइड में करते जाएंगे इसी तरह। ये लच्छेदार रबड़ी जो है खाने में बहुत टेस्टी बनती है और इसे हम बाजार जैसी एकदम घर में आसानी से बना सकते हैं, पर रबड़ी में फ्रेंड्स थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि दूध को हमें काफ़ी पकाना पड़ता है। रबड़ी को बनने में फ्रेंड्स 1.5 से 2 घंटे लगते हैं क्योंकि हम इसे लो फ्लेम पे पकाते हैं, तभी ये धीरे धीरे दूध गाढ़ा होना शुरू होता है। आप देख सकते हैं दूध पहले से काफ़ी कम हो गया है। दूध के अंदर काफ़ी मोटी मलाई आने लगी है और इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है और दूध साइड में जो मलाई चिपकी हुई है उसे भी आप साइड से उतार लें ताकि दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। दूध हल्का गाढ़ा हो गया है लेकिन दूध को अब भी हमें और पकाना है और इसे एकदम रबड़ी के जैसे बना लेना है। आप देख सकते हैं काफ़ी दूध कम हो गया है और ये दूध अभी भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है, इसमें काफ़ी मलाई हो गई है। रबड़ी बनाते वक्त हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हाई ना हो, लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे ही आप इसे बनाएं। और ये दूध अब काफ़ी गाढ़ा होने लगा है। अभी हम दूध को 3 से 4 मिनट और पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गाढ़ा और हो जाए। देखिए फ्रेंड दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है, रबड़ी जो है हमारी बनके तैयार है। आप देख सकते हैं आप रबड़ी को गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं क्योंकि रबड़ी ठंडी होने के बाद काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। अब हम इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं मैंने, जिसमें काजू और बादाम है। इसको मैंने पतला पतला काट लिया है, ये इसके अंदर डाल देंगे। इससे रबड़ी का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। और 6 से 7 चम्मच मैंने शुगर ली है, मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं।
और मैं इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डालूंगी, जिससे इसका फ्लेवर जो है काफ़ी अच्छा आ जाए। और आप इसके अंदर केसर पत्ती या अपनी पसंद के एसेंस भी डाल सकते हैं। तीनों चीज़ों को हम अच्छे से रबड़ी के अंदर हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से, देखिए रबड़ी हमारी बन गई है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आप बाजार जैसी रबड़ी घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आप इसे सर्दियों में बना रहे हैं तो आप इसे गर्मा गर्म खाएं। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो इसको आप फ्रीज में रखकर ठंडा करके खाएं। देखिए रबड़ी पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ठंडा होने के बाद मैंने इसे एक बाउल में सर्व करा है। अब हम इसे पिस्ते से डेकोरेट कर देंगे, जो ये दिखने में काफ़ी सुंदर लगेगी। आप केसर पत्ती से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगी कि हमारी रबड़ी कितनी अच्छी बनी है। देखिए बहुत ही मलाईदार रबड़ी बनी है और बहुत ही अच्छी बनी है। ये खाने में काफ़ी टेस्टी है, आप एक बार ज़रूर बनाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।